We joined swimming and we joined the gym and spa and उसके अलावा we joined that वो क्या था जो last time we कभी हम लोग गए morning में steam bath and all those things और आज हम लोग first start कर रहे हैं so we are starting with all those things which we have not done from the last 18 years we are going to do now. Now it's time to hear from a diplomat leader who belongs to Ghaziabad. He is from the same college जहाँ पर मैंने एक साल पढ़ाई की but जितना मैं वहां पर रह के नहीं कर पाया उससे उन्होंने बहुत बड़ा वहां पर करा है एंड ही इज द गाय हु हैज नॉट ओनली एस्टैब्लिश्ड अ ग्रुप इन एनसीआर बट आल्सो इन साउथ इंडिया बेसिकली चेन्नई में ही इज लीडिंग अ वेरी ह्यूज नेटवर्क एंड ही इज ऑल सेट टू टेक ओवर द होल ऑफ इंडिया टू इमर्ज एज अ राइजिंग स्टार ही इज द पर्सन हु इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग नंबर ऑफ गोल्ड्स एंड डायमंड्स इन नॉर्थ इंडिया सो लेट्स लिसन From a very dynamic, very enthusiastic, very positive, very sincere diplomat leader, Mr. Rohit Chawla. आप पिछले चार घंटे में भोजन हो गए क्या? Good morning to all of you. Good morning. बहुत बढ़िया. आज से कुछ समय पहले जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक छोटे से रूम में ईबीएस का प्रेजेंटेशन दिखाया गया उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा था जहां से मैं सोच पा रहा था कि चलो कुछ नहीं तो ऐसा तो कर सकते हैं कि मम्मी पापा जो 3000 पॉकेट मनी भिजवाते हैं उसका खर्चा कम कर देंगे लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो कहते हैं ना जैसा कि अभी एक ऋषभ जी आए थे उन्होंने बताया था कि इंडिया के अंदर जो सबसे फ्री चीज होती है वो होती है सजेशंस मांगो या ना मांगो वो फ्री में मिल जाती है मैं बाहर निकला चार पांच लोग हैं उन्होंने सजेशन दिया उन्होंने बताया ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है मैं डर गया और मैंने डरने के बाद ईबीएस को ना ज्वाइन करने का फैसला किया और पूरे अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने ईबीएस को ज्वाइन नहीं किया तो मैं क्या किया करता था जो कुछ लोग ईबीएस कर रहे थे मैं उनके ऊपर कमेंट किया करता था उनका मजाक बनाया करता था क्यों क्योंकि मेरे को सही से ईबीएस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई जब एक दिन मौका मिला एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे एक पर्सन है इस नेम इज सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर उन्होंने अपने 19 साल की उम्र में अपने फादर को स्कॉर्पियो कार गिफ्ट करी है तो मेरे माइंड में फिर एक डाउट आया मैंने सोचा कि 3 लाख की नौकरी लगती है इंसान 1 लाख रुपए साल का बचाएगा 8 साल में जाके 8 लाख बचता है तब जाके स्कॉर्पियो खरीदने की सोच सकता है लेकिन 8 साल में 8 लाख बचाए तो स्कॉर्पियो नहीं खरीदेगा तो वो काम 19 साल की उम्र में कॉलेज के थर्ड ईयर में कैसे हो गया दो चीजें हैं या तो वो गलत बता रहा है या फिर अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मेरे को समझ में नहीं आई है और मैं वहां पर सिद्धार्थ सर को देखने के लिए चला गया और जब सिद्धार्थ सर को देखा तो सिद्धार्थ सर उस समय भीड़ में खड़े होकर कह रहे थे कि मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है और 3 इंच से ऊंची मेरी गाड़ी की हाइट मेरे से 3 इंच ऊंची है तो मैंने तो सोचा कि 6 फुट 3 इंच तो मेरी हाइट नहीं है मेरी तो 5/5 खत्म हो जाती है लेकिन मैंने एक बात सोच ली सर आपकी हाइट 6 फुट 3 इंच है मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है लेकिन कोई मैटर नहीं करता सर हिटलर भी छोटा था सचिन तेंदुलकर भी छोटा था छोटा वो नहीं होता जिसकी हाइट छोटी है छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी है छोटा वो होता है जिसकी मेंटेलिटी छोटी है छोटा वो होता है जिसका दिल छोटा है छोटा वो होता है जो लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाता छोटा वो होता है जो अपने डर से ही डर जाता है और मैंने तो एक बात उस दिन सिद्धार्थ सर से मिलने के बाद ठान ली थी कि जिस काम से मेरे को डर लगेगा उस काम को मैं सबसे पहले करूंगा जिससे कि मेरा डर दूर हो जाए और तब भी नहीं मिलता जैसे सर ने चलाया देखो पीछे से आवाज आ रही है उस डर को मैंने कागज पे लिखा मैंने एक बात लिखी कम से कम मेरे 10th के ऐसे 10 दोस्तों हैं जिनका नाम मेरे को आज याद है मेरे 12th के भी ऐसे 10 दोस्त हैं जिनका नाम मेरे को आज याद है मेरे साथ मेरे कॉलेज में मैं अकेला तो पढ़ता नहीं हूं अंटार्कटिका में तो रहता नहीं और चांद पे मेरा कॉलेज नहीं है जहां
60 बच्चे मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल में रहता हूँ वहां बहुत सारे दोस्त हैं। और हिंदुस्तान जाना जाता है अपनी पॉपुलेशन के लिए, तो कमी तो है नहीं। अब उनमें से कम 100 लोग तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, अगर बढ़ूंगा तो 2 लोग तो मेरे को मिलेंगे, अगर बढ़ूंगा तो 2 लोग मिलेंगे। क्योंकि एक बात बोली जाती है, भटका वो नहीं जो रास्ते में भटक रहा है, भटका वो है जो घर से निकला ही नहीं है। तो कुछ नहीं होने वाला। अगर निकल के प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करूंगा, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, 7 लोग सुनने आएंगे, 5 के समझ में आएगा, 3 लोग तो मेरे साथ आएंगे ना, उस दिन भी मेरा 2700 रुपए का चेक बनेगा। मतलब 10 लोगों से मैंने बात करी तो मेरा 2700 का चेक बना। उदित चावला अगर एक इंसान से बात करता तो 270 रुपए फीस चार्ज कर लेता था। आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने बोला, एक दोस्त ने बोला मजाक बनाया मेरा, मेरा मजाक बनाया, बोलो नीचे बाइक खड़ी है तुम्हारी है क्या, तुम्हारी है क्या? मैंने बोला अच्छा मेरी है, आओ कमरे में बैठते हैं। कमरे में बैठा, उसको 1.5 घंटे समझाया, उसको समझाया कि अगर फाइनल ईयर के बाद 3 लाख का पैकेज लगा और 3 लाख के पैकेज में से खर्चे बचाते बचाते 1 लाख रुपए भी बचा तो प्लेटिना बाइक ही आती है। क्यों R15 इसलिए नहीं खरीदता आदमी की एवरेज ज्यादा है, एवरेज कम है, प्लेटिना ही खरीदता है कि ऑफिस तक जाऊंगा तो कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो बचेगा। और वो इंसान साथ में आया जिस इंसान ने मजाक बनाया, आज वही इंसान मेरी डाउनलाइन में डायमंड है। बोलता ये सब कुछ होगा वो क्या नहीं। मैंने कहा तू तेरे को ऊपर वाला उतर के आया था बताने की होगा नहीं, तुझे कैसे पता होगा नहीं, तूने किया? बोलते मेरे भैया ने किया था, उनके पैसे डूब गए। मैंने कहा बोट में भिजवा के भिजवाए थे क्या? बोट कलेक्टर पैसे मैंने कहा 955 का डीडी है, हॉलीडे पैकेज है, घूम के आए कि नहीं भैया है? बोला घूम के आए। तो मैंने होटल में रुके कि नहीं रुके? मैंने बोला रुके। तो मैंने कहा कहां डूब गए? मैंने कहा कंप्यूटर कोर्स पढ़े कि नहीं पढ़े? वो भैया ने पढ़े होंगे। तो मैंने कहा कहां डूब गए? मैंने घड़ी आई थी उठा के फेंक दी थी क्या? बोले नहीं भैया बहन के घूमते। मैंने कहा 956 को यूटिलाइज कर लिया ना? वो तो कहीं 956 यूटिलाइज। बोले उनकी डाउनलाइन में कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया उनको। मैंने कहा अच्छा उन्होंने कुछ किया? मैंने उनसे बोला कि क्या उन्होंने अपनी अप्लाइंग की बात मानी? बोले नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, रेस में अगर आप दौड़ रहे हो और अगर आपको कोच ने बताया आपको सामने दौड़ना है उल्टी तरफ दौड़ोगे तो कभी रेस जीतोगे? मैं एक सिंपल सी बात जानता था, जो सिल्वर स्टेज पे 50 का ग्रुप बनाया ना, बनाना आता है, इनको पकड़ लो ये हमारा अपने आप 50 का ग्रुप बना देंगे। मैंने मेरी सिल्वर अपलाइन जो उस समय थी अरुण सोलंकी सर, जाके बैठ जाओ। प्रेजेंटेशन सीख रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, पापा यही तो चाहते हैं कि कॉलेज में बच्चा कुछ ऐसा करे कि जिससे वो ग्रो हो, जिससे उसकी ग्रोथ हो। आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, चीजें आगे बढ़ी। एक दोस्त ने बोला देखो मेरा जो है ना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट आता नहीं है मेरे को। मैंने बोला तेरा स्विमिंग में इंटरेस्ट है? बोला हाँ स्विमिंग में इंटरेस्ट है। मैंने कहा सीखता है? मैंने कहा फाइनल ईयर के बाद लोग वही काम नहीं कर पाते जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। क्यों? 22 साल की उम्र में कॉलेज से पास आउट होते हैं, 25 तक कॉलेज में लगी फीस निकालते हैं, 25 में शादी होती है, 30 तक शादी का खर्चा निकालते हैं, 30 पर बच्चे होते हैं, 30 पर बच्चे होते हैं, 40 तक उनके फ्यूचर का खर्चा निकालते हैं, 42 में उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन करा के फिर एजुकेशन लोन ले लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है
और जब तक जिंदगी चलती है उठाता ही रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही डर रहता है, और जिसमें इंटरेस्ट है वो कर ही नहीं पाता है। मैंने कहा सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर का इंटरेस्ट था कि फाइनल ईयर के बाद एक ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करी जाए जहां पे प्लेसमेंट ही नहीं हो पाता, क्योंकि सिद्धार्थ सर का इंटरेस्ट था। आज सिद्धार्थ सर वो काम कर पा रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि 21 साल की उम्र तक जब तक कॉलेज से पास आउट होने के बाद लोग अपनी नौकरी ढूंढते हैं, तब तक सिद्धार्थ सर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड कर चुके थे। उस लेवल पे पहुंचा देगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 25 तक सोच रहे थे कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद साइड करूंगा, वो 21 तक ही साइड हो जाती है। एक बार एक आदमी आया, बोला मुर्गा बना रहे हो, टोपी बना रहे हो, वो ये तो चेन बन रही है, ये तो नेटवर्क, ये तो चेन देखो जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। ये लड़का दिख रहा है विजय सिंह पटेल? बोला हाँ दिख रहा है। इसको मुर्गा बनाया था, इसकी इनकम है 15,000 रुपए, मुर्गा अच्छा है ना? इधर आओ, ये पर्सन है सुमन दीक्षित, इनको टोपी पहनाई थी, टोपी। जितना लोग फाइनल ईयर में कमा